हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं तुम लोग के लिए एक और चीज़ लेके आया हूँ, बताओ क्या। तो चलो, आज मैं हाई रेडियस का एक और वीडियो लेके आया हूँ और थैंक यू एवरीवन फॉर सपोर्टिंग माय फर्स्ट वीडियो। एंड आज मैं थोड़ा सा डिटेल में बताने वाला हूँ। मैं छोटा ही वीडियो रखूँगा, ज़्यादा बड़ा नहीं रखूँगा, ज़्यादा बोर भी नहीं करूँगा, जो काम का बात है वही करूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली हाई रेडियस में दो ट्रैक है, टेक ट्रैक और बिजनेस ट्रैक, ये आप लोग सबको पता होगा। अब जो तुमको अच्छा लगता है वही ट्रैक में जाना, अगर टेक्निकल में इंटरेस्ट है टेक्निकल में जाना, सेल्स में मार्केटिंग में कंसल्टिंग में इंटरेस्ट है उसमें जाना। ये चीज़ अपने माइंड में सेट कर दो कि वेर यू वॉन्ट टू सी योर सेल्फ आफ्टर 2 to 3 years, या तुमको किस में मन लगता है काम करने में, काम मज़ा आता है वो चीज़ करने में, वो करो। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ आई तुम्हारी कोडिंग उतनी भी अच्छी नहीं है अगर, लेकिन तुम्हें टेक्निकल में बहुत मन है, तुमको वो सब नए नए टेक्नोलॉजीज पे मज़ा आता है काम करके, तो गो फॉर टेक्निकल, ठीक है। अगर तुमको कोई सेल्स है मार्केटिंग में इंटरेक्शन मेल्स और वो सब में तो ज़्यादा इंटरेस्ट है, ठीक है, बेचने उचने में तो ज़्यादा इंटरेस्ट है, लोग से बातें करने में मज़ा आता है, मतलब केस स्टडी सॉल्व करने में मज़ा आता है, तो देन गो फॉर बिजनेस, ठीक है। बिजनेस के बारे में सबको ही मेनली पता होगा कि बिजनेस ट्रैक में क्या है, एक सेल्स है वेर यू हैव टू सेल द प्रोडक्ट्स लाइक B2B, मतलब कहीं जाना नहीं है कि जाके बेचना नहीं है, लैपटॉप पे ही बेचना है, इट्स B2B, ठीक है। और ये मार्केटिंग है, ठीक है, जहाँ पे प्रोडक्ट की हम लोग मार्केटिंग करते हैं, बेसिक मतलब अंडरस्टैंडिंग तो सबको होगी मुझे लगता है, और कंसल्टिंग की भी होगी, राइट। तो अब टेक्निकल पे आते हैं, टेक्निकल में बहुत सारे चीज़ों पे काम होता है, जावा से लेकर ML से लेकर डेटा साइंस पे भी हर चीज़ का यहाँ पे बना हुआ है। तो इफ़ यू हैव इंटरेस्ट इन दैट, तुम वो अलग अलग डिपार्टमेंट में, NLP भी एक डिपार्टमेंट, तो अलग अलग डिपार्टमेंट में सब में डाला जाएगा, ठीक है। सेम गोज फॉर सेल्स मार्केटिंग, यहाँ पे भी अलग अलग में डाला जाएगा। जैसे वो लोग ना पहले 2 महीना हम लोग का ना, चलो मैं स्टार्टिंग से बताता हूँ, सबसे पहले क्या होता है कि कंपनी आई कॉलेज में, उसके बाद क्या हुआ, गूगल फॉर्म उसका आता है, तुम लोग गूगल फॉर्म भरते हो, उसके बाद कंपनी का गूगल फॉर्म में वीडियो CV होता है सेल्स वाले में, और वीडियो CV के साथ अपने बारे में लिखना पड़ता है, क्या क्या तुम कॉलेज में किए क्या नहीं किए, और वहाँ पे एक स्टफ टैग भी होता है, टैग में पिछले साल वीडियो CV था, प्लस टैग का एग्ज़ाम्स भी होता है, इवन सेल्स एंड मार्केटिंग का भी एग्ज़ाम होता है। सेल्स एंड मार्केटिंग मेनली एप्टीट्यूड और वो सब होता है, पहले उस पर GD भी होता था, अभी GD शायद नहीं बंद हो गया है, पहले होता था लाइक आफ्टर 2 years बैक का मैं बता रहा हूँ। और टेक में तो पूरी कोडिंग राउंड होगी, 2 कोड रन कराना पड़ता है और उसके साथ एप्टी भी रहता है, ठीक है। तो ये प्रोसेस है हाउ मच आई नो, सब मैं अपने पर्सपेक्टिव से बोल रहा हूँ, हाउ मच आई नो, हो सकता है अभी पैटर्न उन्होंने चेंज भी कर दिया होगा, इस साल हो सकता है वो लोग कुछ नए पैटर्न लिया, तो आई कैन नॉट कमेंट ऑन डैट, ओके। सो नाउ लेट्स कम टू आफ्टर डैट, क्या हुआ आफ्टर डैट, तुम लोगों ने कोड कराया रन कराया एंड यू गॉट सेलेक्टेड, ठीक है। तो फिर अनपेड के लिए यू गॉट सेलेक्टेड, ठीक है। तो अनपेड में क्या, यू वोंट बी गेटिंग एनी मनी, लेकिन हाँ यू वुड बी वर्किंग फॉर देम। तो वो लोग हर डे तुमको ना एक टास्क देंगे, ठीक है, डू इट प्रॉपरली, ओके। जो भी वो लोग दे रहे हैं, बीट सेल्स या मार्केटिंग कुछ भी जाए, केस स्टडी का एनालिसिस दिए, प्रेजेंटेशन बनाने दिए, सेल्स मार्केटिंग, डू इट वेरी गुड, ठीक है, दिमाग लगाओ जितना है, गिव यू 100%। गेम सेम गोज फॉर द टेक, टेक में कुछ जावा से रिलेटेड काम दिया, कुछ भी रिलेटेड काम दिए, डू इट नाइसली, ठीक है, सीरियसली करो उसको, ठीक है, मजाक में नहीं, और मेक श्योर करो कि डेडलाइन के आधा घंटा पहले तुम्हारा हो जाए, लास्ट मोमेंट के लिए नहीं दौड़ना कि भैया लिंक बंद हो गया ये हो गया, वो सब मत करना, ठीक है, क्योंकि जैसे जैसे तुम मिस करते जाओगे उसको सबमिशन, वैसे वैसे तुम पीछे होते जाओगे, बिकॉज इट्स अ कॉम्पिटिशन, तुम्हारे कॉलेज में जितने बच्चे हैं उनके साथ तुम्हारा कॉम्पिटिशन है। अब तो बहुत सारे लोग ने मुझे मैसेज किया, भैया चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में आई है, किसी ने मैसेज किया कि भैया मुझे क्या कहते हैं LPU में आई है, भैया SRM में आई, तो लोग मुझे मैसेज कर रहे हैं, तो इसी का मैं वीडियो बना रहा हूँ कि मैं इतने सारे मैसेज को रिस्पॉन्ड नहीं कर सकता, समझ हो ना, तो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि मैं एक एक वीडियो डायरेक्ट शेयर कर दूँगा, ठीक है। और तुम लोग भी अपने दोस्त को सब्सक्राइब करने बोलो, शेयर करने बोलो, ताकि मैं और सब कंपनीज का भी लाभ पाऊँ यार, शेयर नहीं करोगे, लाइक नहीं करोगे, सब्सक्राइब नहीं करोगे, मुझे भी मन नहीं लगेगा ना यार बनाने का, समझो ना। तो अपने दोस्तों को शेयर करो, भेजो, ताकि उनको भी पता चले जो लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, हमारा मेनली मोटिव क्या है, हेल्प करना लोगों का, ठीक है। तो हाँ, कंटिन्यू करते हैं, तो आफ्टर दैट यू गेट सेलेक्टेड टू पेड इंटर्नशिप, ठीक है, अरे अनपेड में अच्छा किए, सीरियसली प्रोजेक्ट ये सब किए, यू गेट सेलेक्टेड टू पेड इंटर्नशिप। अब व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन अनपेड एंड पेड, पेड में क्या तुम्हें एक स्टाइपेंड मिलेगा, आई कैन नॉट डिस्क्लोज दैट अमाउंट, क्योंकि सब कॉलेज में अलग अलग भी हो सकता है देते हो, तो आई वॉन्ट से अबाउट दैट। तो एक स्टाइपेंड अमाउंट ऑफ मिलता है अनपेड पेड में, ठीक है। अब पेड में स्टाइपेंड के साथ दे एक्सपेक्ट यू दैट यू वर्क फॉर देम, राइट, इफ़ यू आर गेटिंग अ मनी
अब वो चाहते कि आफ्टर गेटिंग अ गुड ट्रेनिंग तो वो अपने अपने ब्रांचेज में तुम्हें डिवाइड कर देते। फॉर एग्जाम्पल NLP में डाल देंगे, किसी को जावा पे इंटरेस्ट हो जावा से कराते हैं, ARP करके एक है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे करके तुम वो अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेज में, जिसको मार्केटिंग में इंटरेस्ट है उसको मार्केटिंग में डालेंगे, जिसको सेल्स में है वो देख, तो दे डिसाइड एंड आफ्टर दैट दे विल सी दैट तुम वहाँ पे कितना अच्छा कर पा रहे हो। और तुम वहाँ पे बहुत अच्छा कर पा रहे हो, यू विल गेट पीपल इन दैट ब्रांच। और उनको लगा कि तुम बहुत अच्छे हो लेकिन तुम्हारा इस डिपार्टमेंट में नई टेक्नोलॉजी में तुम्हारा स्किल्स है, कोई दूसरे में तुम्हारा चाहे तुम ज़्यादा अपने आप को डेवलप कर सकते हो, सो दे विल स्विच योर डिपार्टमेंट ऑल्सो। तो ये भी बहुत बेनिफिट है, ठीक है। तो यू कैन डिपार्टमेंट्स भी चेंज होते हैं, ठीक है, विद इन हाई रेडियस ओनली, ठीक है। तो ऐसे ही होगा, ठीक है। तो आफ्टर दैट यू आर गेटिंग पेड नाउ, यू आर एक्सपेक्टेड टू डू द वर्क ऑफ द कंपनी, ठीक है। जो तुम्हारे सीनियर्स तुम वो गाइड करेंगे, बट फ्यू अमाउंट ऑफ वर्क वुड बी गिविंग टू यू ऑल्सो। नाउ देखा जाएगा कि हाउ गुड एंड हाउ नाइसली यू आर डूइंग दैट वर्क। नाउ इफ़ यू आर डूइंग एक्सेप्शनली ऑर्डनरी, मतलब बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हो, ठीक है, बहुत एक्सेप्शन वाला काम कर रहे हो, तब तुम वो जाके PPO मिलेगा, ठीक है। क्योंकि वो लोग ऐसे एक आदमी को ढूंढ रहे हैं जो इंसान बहुत डेडिकेटेड हो, बहुत डिसिप्लिन हो टूवर्ड्स वर्क, और बहुत ईमानदारी के साथ काम करे, ऑनेस्टी बहुत हो उसके अंदर। तो उनको ऐसे आदमी चाहिए जो बहुत ईमानदार की तरह सॉल्व करे और सब कुछ काम करे, ठीक है। तो तुम वो ईमानदारी के साथ पूरा काम करना है वहाँ पर, और पूरा मेहनत करना है, एंड वंस यू डू विथ राइट थिंग्स यू वुड बी गेटिंग अ PPO, श्योर, ठीक है। तो यहाँ तक है पूरा अनपेड से पेड से PPO का जर्नी, ठीक है। अब इसमें दो तीन चीज़ पॉइंट बहुत इम्पॉर्टेंट है जो तुम लोगों को ध्यान रखना है। पहला, असाइनमेंट्स प्रॉपरली सबमिट करना है। दूसरा, जो कोडिंग राउंड होगा उसको बहुत सीरियसली देना है, अच्छे से सॉल्व करना है सारे क्वेश्चन, तो ट्राई करना है क्रैक करने का। चौथा, आफ्टर यू गेट पेड बहुत चांसेस होते हैं PPO लेने के, अगर तुम लोग बहुत ईमानदारी के और बहुत डेडिकेशन के साथ काम करोगे ऑफकोर्स यू विल गेट PPO। तो तुम्हें बहुत अच्छा से करना है, अपना प्रेजेंटेशन स्किल्स बहुत अच्छा रखना है, एंड सेल्स एंड मार्केटिंग उनको सब कुछ बहुत अच्छा रखना है, मतलब फ्रॉम कम्युनिकेशंस टू प्रेजेंटेशन एंड एवरीथिंग। और जो टेक में गए हैं उनको अपना टेक्निकल स्किल्स शो करना है, उनको दिखाना है कि यार हाउ आई कैन लाइक मेक सॉल्विंग अ पजल काइंड ऑफ थिंग भी वो लोग बहुत इतना अच्छे से कर सकते हैं। तो उनको मज़ा आना चाहिए उसमें, ठीक है। वंस यू हैविंग इन्जॉय करने जिस दिन लग जाओगे ना, उस दिन मज़ा आएगा काम करने में। तो बोला जाता है ना, वही काम करो जिसमें मज़ा आता है, तो गो फॉर इट, ठीक है। वही काम करो जिसमें तुम मज़ा आ रहा है। इफ़ यू हैव इंटरेस्ट इन टेक, गो फॉर टेक। इफ यू हैव इंटरेस्ट इन सेल्स, तो गो फॉर सेल्स। गॉट इट? आई होप सब कुछ क्लियर हो जाएगा। सो ऑल द बेस्ट एंड लाइक रेडी फॉर द रोलर कोस्टर राइड इफ यू गो फॉर द हाई रेडियस। विद देन गुड बाय, बाय बाय, स्टे सेफ, गुड नाइट।